और चलिए अब वक्त है हमारे दूसरे स्पेशल सेगमेंट का, जिसके लिए आपको सीधा लिए चलेंगे मेरे सहयोगी राजेंद्र देव के पास। धन्यवाद हर्षा। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में पहले कांग्रेस नेता और एमएलए सुखपाल खैरा पर एक्शन और फिर बीजेपी नेता मनप्रीत बादल पर भी एक्शन। राज्य के दो बड़े नेताओं पर कार्रवाई के बाद पंजाब की मान सरकार बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जानबूझकर कार्रवाई करने के आरोप लगा दिए। छापेमारी है बीजेपी के बड़े नेता मनप्रीत सिंह बादल के ठिकानों पर। वो मनप्रीत बादल जो कभी पंजाब के वित्त मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब उन पर कानून शिकंजा कसता जा रहा है। पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की तलाश में विजिलेंस विभाग ने चंडीगढ़ में छापा मारा, बेडरूम से लेकर उनके पूरे घर को तलाशा, लेकिन मनप्रीत बादल नहीं मिले। उन्होंने सानू टीम नु जेड़ा अंदर सारा जो परमिसेस सीगा सानू आप खुद चेक करवाया, ते उस तो बाद जो प्रोसेस है वो लीगल अडॉप्ट कर रहे हैं। बीजेपी नेता पर छापेमारी के बाद पंजाब की सियासी फिजा फिर से बदल गई है। बीजेपी ने छापेमारी को राजनीतिक साजिश बताते हुए आम आदमी पार्टी सरकार और पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में विरोधी दलों के नेताओं के ऊपर केस दर्ज कर रही है, कहीं भ्रष्टाचार का, कहीं किसी चीज का, लेकिन ये दोगली नीति नहीं चलेगी। मनप्रीत सिंह बादल कह चुके हैं कि जो तथ्य जो जो उनको जानकारी विजिलेंस डिपार्टमेंट को चाहिए वह देने को तैयार हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वह हर प्रकार का चैलेंज फेस करने को तैयार हैं, कि वो कह रहे हैं कि मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है। पंजाब विजिलेंस को शक है कि मनप्रीत सिंह बादल विदेश जाने की फिराक में हैं। हालांकि उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अर्जी भी लगा रखी है, जिस पर 4 अक्टूबर को सुनवाई हुई। हमने अगाऊ जमानत की एप्लीकेशन लगाई है, उसको जैसे हमने 4 तारीख के लिए विजिलेंस वालों को नोटिस किया है, अब 4 तारीख को विजिलेंस वाले आएंगे और फिर उधर बहस होगी, फिर देखते हैं जैसा का मतलब हमारे को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। मनप्रीत बादल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, पिछले 64 दिनों से वो फरार है। मनप्रीत पर भटिंडा की एक प्राइम लोकेशन पर जमीन खरीदने में नियमों की अनदेखी करने का आरोप है। पूर्व विधायक स्वरूप चंद सिंगला ने 2021 में मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें सिंगला ने आरोप लगाया था कि मनप्रीत ने भटिंडा की एक प्राइम लोकेशन पर जमीन खरीदने में नियमों से खिलवाड़ किया है। आरोप है कि मनप्रीत बादल ने 2018 से 2021 तक पंजाब के वित्त मंत्री रहते हुए 1560 वर्ग गज के 2 प्लॉट खरीदे थे। इन प्लॉट को खरीदने के लिए उन्होंने राजनीतिक दबदबे का इस्तेमाल किया, ये भी उन पर आरोप है। 25 सितंबर को विजिलेंस विभाग ने मनप्रीत बादल समेत 5 लोगों के खिलाफ भटिंडा में मामला दर्ज किया था, जिसके बाद विजिलेंस विभाग ने 3 आरोपी राजीव कुमार, अमनदीप सिंह और विकास अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि 25 सितंबर को मनप्रीत बादल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। पंजाब विजिलेंस ने मनप्रीत बादल के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत केस दर्ज किया है। 2021 में जैसे ही मनप्रीत बादल के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, पूर्व विधायक स्वरूप चंद सिंगला की शिकायत के बाद ही उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मनप्रीत के ठिकानों पर छापा पड़ना शुरू हुआ, राजनीतिक दलों का बयान सामने आने लगा। प्रेजेंट आम आदमी पार्टी भगवंत मान, केजरीवाल, ये माइनिंग माफिया नाल खड़े ने। एदा दूजा नाम आप दा करप्शन है। कांग्रेस सरकार में मनप्रीत बादल का अपना रसूख था, ऐसे में उनके बारे में भी जानना जरूरी है कि जो कभी अर्श पर था वो आज कानूनी शिकंजे में कैसे फंस गया। मनप्रीत बादल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के चचेरे भाई है। वो गिद्ध डबाहा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। मनप्रीत 1995 में पहली बार अकाली दल के टिकट पर विधायक चुने गए थे। इसके बाद वो अकाली दल के ही टिकट पर 1997 और 2007 में गिद्ध डबाहा सीट से विधायक बने। 2007 में अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की सरकार में वो वित्त मंत्री भी बन गए। 2010 में उन्होंने अकाली दल छोड़कर पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब का गठन किया था, लेकिन 15 जनवरी 2016 को मनप्रीत बादल अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर भटिंडा शहर सीट से चुनाव लड़े और 5वीं बार विधायक बने थे। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। 2022 के चुनाव में मनप्रीत को हार का सामना करना पड़ा। और यही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को राजनीति में लाने का श्रेय भी मनप्रीत बादल को जाता है। लेकिन अब मनप्रीत विजिलेंस ब्यूरो के रडार पर है।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।